हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ माइटी लॉर्ड एंड आई होप दैट यू आल्सो फाइन। बहुत दिन पिछत आको एटि गुरुत्वपूर्ण अखमिया ब्याकरणर एटि गुरुत्वपूर्ण बिहयले आगबारिसु। सो आजि कथा पातिम अखमिया ब्याकरणर वाक्य प्रकार आरु वाक्यर परिवर्तन सम्पर्के आजि आलोचना करिम। जेहेतु अति विद्यालय महाविद्यालय बन्द होइ आछे, छात्र छात्रीसकल निजर बाहकगृहते आबद्ध हो आसे। सो आलोचनाले आगबाढ़ी आज आलोचना करिम वाक्य वाक्यर प्रकार तार पिछते वाक्यर गठन। सो वाक्यर प्रकार बुली कौते आमि दुधरणते प्रकार तो चाब पारू। प्रथमते वाक्यर गठन अनुजायी वाक्य तीन श्रेणी बगाब पारि। आको अर्थ अनुजायी आमि वाक्य करिब पारू। गतिके प्रथमते मैं देखुवाइछो इयात ग्राफिक्सर सहाय गठन अनुजाई तीन धरण आम बगाब पारो। प्रथम तो सरल वाक्य, द्वित तो मिश्र वाक्य जटिल वाक्य, तृत्य तो आग बढ़ी तृत्य तो जौगिक वाक्य। सो वाक्यर रूपान्तर परिवर्तन आलोचना कर आगते सरल वाक्य डेफिनेशन द कन्सेप्ट अफ द सरल वाक्य कथा तो अलग जान लगे अलग सहज हम बी मैं अनुभव करूँ। सो सरल वाक्य सहज आम बुझी पाले हम जान लगे सरल वाक्य समापिका क्रिया थको और एट करता थको। डेफिनेशन तो आग बढ़ी जी वाक्य मतन करता और एट समापिका क्रिया थके तक सरल वाक्य क्या है। उदाहरण आग बढ़ी रीना पढ़े एक बारे सिम्पल मैं अंक करूँ, तृतीयटो कर्तव्य प्राणी लोके सफलता लाभ करे। यार पिछत जटिल वाक्य मिश्र वाक्य, प्रथमते संज्ञा आग बढ़ाई परस्पर सम्बन्ध थका प्रधान वाक्य एटार लगत एटा बा अधिक खंड वाक्य संयुक्त होई बा जोग होई जी वाक्य गठन होय ताके जटिल वाक्य मिश्र वाक्य बुली कोआ होय। उदाहरण आग बढ़ी जतीन जदि दरिद्र तथापि अकृतज्ञ नहय। द्वितीय उदाहरण आग बढ़ी पानी जेतिया गोट मारे तेतिया बरफ हय। तृतीय जौगिक वाक्य आग बढ़ी जौगिक वाक्य काक कय बा इयार थुलबुलटी धारणा दिब बिचारिछो। दुटा बा ताके बेसि सरल बा जटिल वाक्य जदि कोनो एटा अव्ययर द्वारा अर्थात कन्जांगशनर द्वारा संयुक्त हुई जदि सम्पूर्ण अर्थ प्रकाश करे ताक जौगिक वाक्य बा संयुक्त वाक्य बुली कोआ हय। एग्जांपल जतीन दुखिया किन्तु हत, यात किन्तु तो होइसे एटा कन्जांगशन बा अव्यय। तार पिछत तेओ दुकानलै गल आरु कलम किनिले, यात आरु दिपले दुटा वाक्य संयुक्त करा हैछे। तृतीय उदाहरण तो आग बढ़ी जतीन दरिद्र किन्तु अकृतज्ञ नहय, यात किन्तु दि पेलाई दुटा वाक्य संयोग करा हैछे। इयार लगे लगे सरल वाक्य जटिल वाक्य सरल वाक्य जटिल वाक्य मिश्र वाक्य लै नियार किसुमान कौशल उदाहरण सहित आलोचना करिम। सरल वाक्य अकृतज्ञ लोके कतो सम्मान नापाय, ए वाक्य टी सरल वाक्य। जदि आम जटिल वाक्य लै जाओ तेतिया हब जीजन लोक अकृतज्ञ तेओ कतो सम्मान नापाय। इयात जीजन तार पिछतले आग बढ़ी बरखुण एरिले खेलिबोलै जाम जटिल वाक्य। इयार जेतिया बरखुण एरिब तेतिया खेलिबोलै जाम अर्थात गम पालू जो जेतिया आरु तेतिया अर्थात जटिल वाक्यबूर जेतिया आरु तेतिया लगाई ए दुटा शब्द सहायत आम सरल वाक्य जटिल वाक्य बनाब पारि। उदाहरण कटा मन दी चाले हयतो सहज हो पड़िब बेसि टान नहय। तृतीय सरल वाक्य टिले आग बढ़ी आम अखमर भाषा संस्कृति सम्मान करा उचित। जटिल वाक्य अखमर जी भाषा संस्कृति आसे तक आम सम्मान करा उचित जी टी बा
এই দুটা শব্দৰ দ্বাৰা এটো জটিল বাক্য কৰা হৈছে। তেও ইয়াত তেও শব্দটো অহা নাই বা কোনো এজন মানুহৰ নাম আমি লগাব পাৰোঁ। দুখীয়া যদিও মানুহজন সৎ। গতিকে এই বাক্যটো আমি এইধৰণে লিখিব পাৰোঁ, যদিও মানুহজন দুখীয়া তথাপি সৎ। যদিও তথাপি, তাৰ পিছৰটো আগবাঢ়িছোঁ, পানী গোট মাৰিলে বৰফ হয়, এইটো আগতে এবাৰ দিয়া হৈছিল, ৰিপিট হৈ গ'ল। মিছলীয়াক কোনেও বিশ্বাস নকৰে, যি মিছা কথা কয় তাক কোনেও, ইয়াত বানানটো ভুল হৈ আছে, গতিকে ইয়াত কোনেও, ইয়াত কোলেও হৈ আছে, গতিকে শুদ্ধ কৰি ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। নেক্সট, পৰিশ্ৰমী মানুহৰ স্বাস্থ্য ঠিক থাকে বা অটুট থাকে, এয়া গুচি গ'ল। আঠ নম্বৰটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আমি ৰাতিপুৱা শ্বিলঙলৈ যাম। যেতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ব তেতিয়া আমি শ্বিলঙলৈ যাম। কিতাপ পঢ়া সময়ত হাই উৰুলি নকৰিবা। যেতিয়া কিতাপ পঢ়িবা তেতিয়া হাই উৰুলি নকৰিবা, অৰ্থাৎ যেতিয়া তেতিয়া লগাই এই বাক্যটো জটিল বাক্য কৰা হৈছে বা বনোৱা হৈছে। খেলি থকা ল'ৰাবোৰে চোৰটোক ধৰিছিল। যিবোৰ ল'ৰাই খেলিছিল সিহঁতে চোৰটোক ধৰিলে। ব্যায়াম কৰা সময়ত তেওঁৰ, অৰ্থাৎ ব্যৱসায় কৰা সময়ত তেওঁৰ অৱস্থা ভাল আছিল। তেওঁ যেতিয়া ব্যৱসায় কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ অৱস্থা উন্নত আছিলে। আপুনি বিচৰা ছোৱালীজনী ইয়াত নাই। আপুনি যিজন ছোৱালীক বিচাৰিছে সেইজনী ইয়াত নাই। ৰোগীয়া লোকৰ মনত শান্তি নাই। যিজন লোক ৰোগীয়া তেওঁৰ মনত শান্তি নাই। বৰষুণ এৰিলে খেলিবলৈ যাম, ৰিপিট হৈছে। মনোযোগেৰে পঢ়িলে পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিবা। যদি মনোযোগেৰে পঢ়া তেতিয়া পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিবা। যদি তেতিয়া, তেওঁ চোকা ল'ৰা বুলি মই আগেয়ে জনা নাছিলোঁ। তেওঁ যে চোকা ল'ৰা মই আগতে জনা নাছিলোঁ। মোৰ কথামতে চলিলে নচলিলে বিপদত পৰিবা। যদি মোৰ কথামতে নচলা তেতিয়াহ'লে তুমি বিপদত পৰিবা। যদি তেতিয়াহ'লে এই দুটা শব্দৰ দ্বাৰা বাক্যটি জটিল বাক্য বনোৱা হৈছে। গাবলৈ মানা কৰিলে নাগাওঁ। যদি গাবলৈ মানা কৰা তেন্তে নাগাওঁ। থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, হেভ এ নাইচ ডে'।